अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन तक, और हमारा टॉपिक था लोकल एनेस्थेसिया फॉर चिल्ड्रन, जो कि हम उसके बाद का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप सो कि सबको समझ आ गई होगी यहाँ तक लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन तक। तो आज हम पढ़ेंगे टेक्निक्स तक कि कौन से टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। इन टेक्निक्स के बारे में आप सब लोग पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में, बट फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं और एक चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव से हम फिर पढ़ते हैं कि उनके लिए हम किस तरह से एनेस्थीसिया देंगे, कितना परसेंट देंगे, कितना डिपॉजिट करेंगे, किस पोजिशन पर हमने पेशेंट को रखना है बच्चों को। ठीक है, बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। तो टेक्निक्स ऑफ लोकल एनेस्थीसिया में हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है, फिर हमने लोकल एनेस्थीसिया बच्चों को देना है। सो देयर आर नो टेक्निक्स ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट आर यूनिक टू चिल्ड्रन। ठीक है, कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, सेम वही टेक्निक्स है जो हमने पढ़ी है पिछले सेमेस्टर्स में, बट चिल्ड्रन पे अप्लाई करने के लिए हमारे पास थोड़ी बहुत इसमें मॉडिफिकेशंस आई हैं। सो नो स्पेशल टेक्निक ऑफ एनेस्थेटिक सॉल्यूशन या एनेस्थेटिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट आर यूनिक टू चिल्ड्रन, बट हाउएवर मॉडिफिकेशन टू स्टैंडर्ड मेथड्स आर समटाइम्स रिक्वायर्ड। एज फार एज पोजिशनिंग द चाइल्ड इज कंसर्न, द अपर बॉडी शुड बी अराउंड 30 degrees टू द वर्टिकल। अब पॉइंट्स आया, ये आया है कि हमने जब बच्चों को एनेस्थीसिया देना है चाइल्ड को, तो वी हैव टू पोजिशन द चाइल्ड अप टू 30 degree एंगल पे। इट मीन्स कि ना तो आपने उसको 90 degree एंगल पे रखना है सीधा अपराइट कंडीशन में या पोजिशन में, और ना ही आपने उनको बिल्कुल सीधा लेटाना है। ठीक है, इट मीन्स कि आपने वो 0 और 90 के बीच में 30 degree एंगल पे आपने एक चाइल्ड को पोजिशन करना है। ठीक है, व्हाई सिटिंग अपराइट कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ अ फेंट। जब आप उसको बिल्कुल सीधा बिठाएंगे अपराइट पोजिशन में उसको रखेंगे, तो ये चांसेस है कि वो फेंट कर जाए, बेहोश हो जाए। व्हाइल एट द अदर एक्सट्रीम फुली सुपाइन पोजिशन पे द चाइल्ड मे फील इल एट ईज। ठीक है, तो दोनों पोजीशन में ना ही आपने पेशेंट को फुली स्पाइन पे रखना है, ना ही आपने उसको अपराइट पोजीशन में रखना है, आपने उसको 30 degree एंगल पे रखना है। व्हेन देयर इज अ चांस ऑफ साइट्स एट विच टू एडमिनिस्टर, अब साइट की बात हो रही है कि किस साइट पे आपने अपने लोकल एनेस्थीसिया को एडमिनिस्टर करना है। सो द फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन द प्राइमरी मैक्सिलरी मोलर एरिया शुड बी चूजन। अगर आपने एनेस्थीसिया देना है चिल्ड्रन को, ठीक है, और आपका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपने चूज करना है, तो आपने चिल्ड्रन में जो उनके प्राइमरी टीथ है तो उनमें आपने मैक्सिलरी भी देना है पहले इंस्टेड ऑफ मैंडिबुलर। ठीक है, और फिर मैक्सिलरी में मोलर एरिया पे पहले देना है, इट शुड बी चूजन। सो दिस इज द रीजन दैट इज द मोस्ट इजीली एनेस्थेटाइज्ड विद द लीस्ट डिस्कम्फर्ट, दैट्स वाई हमने मैक्सिलरी मोलर पे पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया देना है, बिकॉज ये इजीली एनेस्थेटाइज भी हो सकता है और लेस डिस्कम्फर्ट देगा। ठीक है, सो हमारे पास टेक्निक्स में ये दोनों पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं कि एक उसकी पोजीशन किस तरह रखनी है और दूसरा आपने फिर कौन सी साइड पे पहले एडमिनिस्टर करना है। सो इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया फर्स्ट वन है टेक्निक्स में। इन्फिल्ट्रेशन के बारे में आप सब लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सो इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया इज द मेथड ऑफ द चॉइस इन मैक्सिला। मैक्सिला में हम ज्यादातर इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया देते हैं, वी नॉट एट, और हम मैंडिबल में ज्यादातर ब्लॉक्स देते हैं। सो द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ 0.5 to 1.0 ml ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज सफिशिएंट फॉर पल्पल एनेस्थीसिया ऑफ मोस्ट टीथ इन चिल्ड्रन। जब आप पेशेंट यानी जब चिल्ड्रन में लोकल एनेस्थीसिया देंगे और इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, तो इन्फिल्ट्रेशन हम ज्यादातर मैक्सिला में यूज करते हैं, जिसमें से हमारे पास कितना ml सॉल्यूशन हमने डिपॉजिट करना है, विच इज 0.5 to 1.0 ml आपने देना है। दिस सॉल्यूशन, दिस अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज आल्सो सफिशिएंट फॉर द पल्पल एनेस्थीसिया, मीन टीथ के साथ वो उस एरिया के साथ उसकी पल्प को भी एनेस्थेटाइज कर लेता है चिल्ड्रंस में। द ऑब्जेक्टिव इज टू डिपॉजिट लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन एज क्लोज एज पॉसिबल टू द एफेक्ट्स ऑफ द टूथ ऑफ द इंटरेस्ट।
आप लोगों ने लोकल इन्फिल्ट्रेशन जो है वो उसकी पिक्चर्स और उसकी बारे में पढ़ चुके होंगे, तो उसके बेस पे ये बात की गई है कि आपने जब लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन डिपॉजिट करना है तो वो आपने टूथ की एपेक्स के बिल्कुल करीब डिपॉजिट करना है, ठीक है, ताकि वहां पे टूथ का जो पल्स है वो भी एनेस्थेटाइज साथ में हो जाए। एज द एपेक्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द टीथ आर क्लोजर टू द बकल साइड, हमारे पास जो टूथ की एपेक्सेस है जो कि रूट्स की एपेक्स पार्ट है वो ज्यादातर बकल साइड की तरफ है, बकल साइड मींस टूवर्ड्स द चीक साइड की तरफ है, तो द बकल अप्रोच आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। फिर यानी आपने जब सिरिंज के साथ जब उसका जो नीडल है एनेस्थीसिया गन के साथ जो नीडल है जब आपने उस फिंगर को इंजेक्ट किया, ठीक है, तो जब उसने को आपने इंजेक्ट किया तो वो तो एक आप टूथ की जो एपेक्सिस पार्ट है उसके करीब डालना है, डिपोजिशन वहां करनी, इससे अपने नीडल को वहां लेकर जाना है। जब नीडल को आप वहां लेकर जाएंगे तो आपको एनाटॉमी भी पता होनी चाहिए कि टूथ की जो रूट्स है वो किस तरफ से गए हैं, तो वो हमारे पास ज्यादातर टूवर्ड्स द बकल साइड है, इसलिए हम थोड़ा बकल अप्रोच यूज करेंगे एंड द नीडल इज डायरेक्टली टूवर्ड्स द एपेक्स और आपने एपेक्स की तरफ उसको लेकर जाना है आफ्टर इंजर्शन। जब आपने इंजर्ट कर लिया तो फिर टूथ की एपेक्स की तरफ जाना है और बकल अप्रोच भी यूज करना है। ये आपके पास आया मैंडिबला का। फिर आप जब मैंडिबल में हम देते हैं तो हम मैंडिबल में ब्लॉक यूज करते हैं, अगर हमने इन्फिल्ट्रेशन दी है तो हम ज्यादातर बकल इन्फिल्ट्रेशन यूज कर लेते हैं which will often produce the pulpal anesthesia भी दे देता है primary teeth में, ठीक है, because pediatrics की बात हो रही है तो primary teeth की बात हो रही है। the most dependable form of anesthesia in the posterior mandible is inferior alveolar nerve block anesthesia, we already know that, ठीक है, कि हमने mandible में inferior block nerve block anesthesia देना है, लेकिन अगर infiltration देंगे तो वो फिर buccal infiltration दे देते हैं जो साथ में पल्पल भी एरिया को भी एनेस्थेटाइज कर लेता है, यानी टीथ की जो पल्प्स हैं उनको एनेस्थेटाइज कर लेता है। सो दिस इज अबाउट द इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। द सेकेंड वन इज द रीजनल ब्लॉक एनेस्थीसिया। रीजनल ब्लॉक एनेस्थीसिया में हम पढ़ेंगे इंफीरियर एल्वुलर के बारे में और लिंगुअल नर्व ब्लॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। सो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंफीरियर एल्वुलर एंड लिंगुअल नर्व ब्लॉक इज इजियर टू परफॉर्म सक्सेसफुली इन चिल्ड्रन कंपेयर टू एडल्ट्स। How? In children, the mandibular foramen is low in relation to occlusal plan. अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम ब्लॉक देते हैं पेशेंट्स को, ठीक है, सर्जरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो हमने कहा था कि हमने occlusal plan पे प्रॉपरली देना है, यानी कॉर्नर ऑफ द माउथ और सेकेंड प्री मोलर के ऊपर से आपने अपनी एनेस्थीसिया को, सॉरी नीडल को या सिरिंज को जो है वो लेकर जाना है उस प्लेन में, उस एक लाइन में और अबव द ओक्लूजल प्लेन आपका रहा था, ठीक है, आपका जो पूरा एनेस्थीसिया गन और जो सिरिंज और नीडल जो था वो आपका इस तरफ प्लेन में था। लेकिन बात हो रही है चिल्ड्रंस की, तो जब हम चिल्ड्रंस में देते हैं तो अगर आप देखें तो हमारे जो मैंडिबल बोन है अगर एडल्ट का देखें तो वह बड़ा होगा और जो बच्चों का अगर हम देखें मैंडिबल बोन तो वो छोटा होगा। इट मीन्स कि अगर हमारा मैंडिबुलर फोरामेन है जिसमें से हमारे पास इंफीरियर एल्वोलर नर्व गुजरी है तो वो फोरामेन जो है वो फिर एडल्ट में ऊपर होगा, और अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो उनका बोन जब छोटा है तो इट मीन्स कि उनका फोरामेन नीचे की तरफ होगा। तो फिर जब हमने ये एनाटॉमी हमें प्रॉपर पता होनी चाहिए क्योंकि इसके बेस पे हमने फिर पेशेंट को एनेस्थीसिया देना होता है। तो कह रहे हैं कि चिल्ड्रन में हमारे पास जो मैंडिबुलर फोरामेन है वो लो है, ठीक है, इन रिलेशन टू ऑक्लूजल प्लेन। जब आप ऑक्लूजल प्लेन पे अगर आप अपनी वो एनेस्थीसिया गन लेकर जा रहे हैं या नीडल लेकर जा रहे हैं तो वो आपने उसके नीचे रखना है क्योंकि उनका फोरामेन जो है वो ऑक्लूजल प्लेन के लेवल पे नहीं है, वो उसके लेवल पे नहीं है, वो उसके नीचे है। द ऑपरेटर्स हैंड सपोर्ट द मैंडिबल विद द थंब। आपका ऑपरेटर जो है वो अपनी थंब से जो है पेशेंट का मैंडिबल को सपोर्ट करेगा। इंट्रा ओरली जो हमारे पास रेट्रोमोलर रीजन है वहां से जो हमारा इंडेक्स और मिडल फिंगर है इट शुड बी प्लेस्ड एक्स्ट्रा ओरली, आपने उसको प्लेस करना है, थंब को आपने पेशेंट के इंट्रा ओरली प्लेस करना है, ठीक है, एट द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रैमस, जो हमारे पास रैमस पार्ट है उसकी पोस्टीरियर साइड पे आपका मिडल और इंडेक्स फिंगर आएगा एट द सेम हाइट एज द थंब, यानी अंदर पेशेंट के माउथ के अंदर आपने थंब प्लेस किया है, पेशेंट के माउथ के बाहर आपने इंडेक्स और मिडल फिंगर प्लेस किया है, तो इन दोनों को आपने एक सेम लेवल पे रखना है, ठीक है। फिर क्या है कि द नीडल इज एडवांस फ्रॉम द प्राइमरी मोलर रीजन ऑफ द ऑपोजिट साइड। जब आप एक साइड पे ब्लॉक दे रहे हैं तो उसके ऑपोजिट साइड पे मोलर रीजन से आपने अपनी नीडल को इंसर्ट किया है विद द सिरिंज हेल्ड पैरेलल, आपका सिरिंज पैरेलल प्लेस होना चाहिए टू द मैंडिबुलर ऑक्लूजल प्लेन के
बिल्कुल पैरेलल हो, और इंसर्शन जो है उसके लिए नीडल को जो एडवांसमेंट है, यानी जो उसकी इंसर्शन है वो आपने उसके ऑपोजिट की जो प्राइमरी मोलर्स हैं वहां से आपने उसको इंसर्ट करना है. द हाइट ऑफ द इंसर्शन इज अबाउट 5 mm अबव द मैंडिबुलर ऑक्सिपिटल प्लेन. आपके पास जो है इसकी इंसर्शन 5 mm अबव द अल्टर इन यंग चिल्ड्रन इंट्री एट द हाइट ऑफ द ऑक्सिपिटल प्लेन शुड आल्सो बी सक्सेसफुल. अगर आपके पास यंग चिल्ड्रन हैं तो उसकी आप ऑक्सिपिटल प्लेन के लेवल पे भी दे सकते हैं. इन यंग चिल्ड्रन बोन विल बी रीच आफ्टर, जब आपने नीडल को इंसर्ट कर लिया है, आपने एक प्रॉपर पोजिशन भी वो कर ली है, आपका प्रॉपर साइज आ गया है वो, तो उसके बाद अब आपने फिर नीडल से उसकी डिपोजिशन करनी है. तो सबसे पहले हमारे पास नीडल के ऊपर बोन फेल होता है, ठीक है, जब हम नर्व ब्लॉक लेते हैं. तो जब बोन रीच्ड, व्हेन बोन विल बी रीच्ड आफ्टर द 15 mm, जब आपने 15 mm इंसर्ट किया और 10 or 25 mm नीडल अगर आप यूज कर रहे हैं तो 25 mm नीडल में आपने 15 mm को इंसर्ट करना है, 10 mm आपने बाहर छोड़ना है. लेकिन अगर आपके पास ओल्डर चिल्ड्रेन हैं, यानी काफ़ी और बड़े हैं, तो उनमें आपने फिर 35 mm का नीडल यूज करना है जिसमें आपने 25 mm को इंसर्ट करना है, यानी दोनों कंडीशंस में आपने 10 mm नीडल को बाहर छोड़ना है, ठीक है. 25 mm में आपने 15 mm को इंसर्ट करना है और 35 में आपने 25 mm को इंसर्ट करना है. सो यही पेनेट्रेशन की बात इसमें हो रही है. नेक्स्ट हमारे पास है कि वंस द बोन हैज बीन टच द नीडल, सो द नीडल शुड बी विदड्रॉ साइलेंटली. जब हमने ये भी बात की थी आप लोगों ने पिछले एनेस्थीसिया जब अपना व्लॉग पढ़ रहे थे उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जब हम बोन को टच कर लेते हैं या हमें बोन फील हो जाता है तो हम डायरेक्टली अपने नीडल को फिर सा थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, मीन थोड़ी सी विदड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. फिर एक्सपायरेशन करेंगे और उसके बाद हमने अपने सॉल्यूशन को डिपॉजिट करना है. और कितना ml डिपॉजिट करना है, हमारे पास 1.5 ml है जिसको हमने डिपॉजिट करना है. फिर हमारे पास है कि द लिंगुअल नर्व इज ब्लॉक्ड बाय विड्रॉइंग द नीडल हाफ वे. फिर आपने लिंगुअल नर्व को ब्लॉक कर देना है. लिंगुअल नर्व को ब्लॉक करने के लिए आपने नीडल को वहां से निकाल देना है, लिंगुअल नर्व की तरफ लेकर आना है, वहां पे आपने एस्पायरेट करना है और फिर जो आपका रिमेनिंग सॉल्यूशन है 1.5 ml के बाद का जो सॉल्यूशन है उसको आपने लिंगुअल नर्व के ऊपर डिपॉजिट कर देना है, ठीक है. देन हमारे पास नेक्स्ट वन है इंफीरियर एल्वोलर नर्व ब्लॉक और लिंगुअल के बाद जो है वो है लॉन्ग बकल मेंटल एंड इंसिसिव नर्व ब्लॉक्स के. इनको हमने किस तरह ब्लॉक करना है मैंडिबल में, तो लॉन्ग बकल इंजेक्शन यूजुअली इक्वेट्स द बकल इन्फिल्ट्रेशन इन चिल्ड्रन, कि हमारे पास जो बकल के लिए जो हम इंजेक्शन लगाते हैं इट इक्वली टू द बकल इन्फिल्ट्रेशन है, यानी जिस तरह आपकी बकल इन्फिल्ट्रेशन आप करते हैं वो चिल्ड्रन में सेम वही परफॉर्म कर ले, इन्फिल्ट्रेशन करेंगे बकल नर्व के लिए. लेकिन मेंटल और इंसिसिव के लिए ये है कि जब आप एडमिनिस्टर करेंगे चिल्ड्रन में तो उसकी थोड़ी बहुत ओरिएंटेशन चेंज है, वो इस तरह है कि जो हमारे पास मेंटल फोरमेन है इट फेसेस फॉरवर्ड, ठीक है, रेदर देन पोस्टीरियरली एज एन एडल्ट. हमारे पास एडल्ट में जो मेंटल फोरमेन है वो पीछे की तरफ है, लेकिन जो हमारे पास चिल्ड्रन है उनका मेंटल फोरमेन जो है वो फॉरवर्डली प्लेस्ड है बिकॉज ऑफ द स्मॉल बोन, ठीक है, इस वजह से. तो उनका फेसेस फॉरवर्ड है, उनका आगे की तरफ उनका मेंटल फोरमेन है, और जो एडल्ट्स हैं उनका जो मेंटल फोरमेन है वो पोस्टीरियर की तरफ है. दैट्स व्हाई हम जब मेंटल और एंसेसिव नर्व ब्लॉक देंगे तो उसकी ओरिएंटेशन थोड़ी बहुत चेंज होगी, ठीक है. इट इज इजियर फॉर द सॉल्यूशन टू डिफ्यूज थ्रू द फोरमेन. आपने अपने सॉल्यूशन को डिफ्यूज कर देना है उस फोरमेन में जब आप वहां पे अप्रोच कर लेंगे. और उसकी अप्रोचिंग आपने किस तरह देनी है, तो वो आपने इंटीरियर डायरेक्शन से अप्रोच करना है, ठीक है, मेंटल और इंसिसिव नर्व के लिए. और बकल के लिए आपने बकल इन्फिल्ट्रेशन कर देनी है. फिर हमारे पास आ जाता है कि मैक्सिलरी में हम फिर ब्लॉक किस तरह देंगे. सो मैक्सिलरी ब्लॉक का ये है कि उसमें हमारे पास रीजनल ब्लॉक टेक्निक्स है, ठीक है, कि हम वो यूज करते हैं इन चाइल्ड्स मैक्सिला. सो ग्रेटर पैलेटाइन और नेजो पैलेटाइन के लिए जो हम नर्व ब्लॉक करते हैं दे आर अवॉइडेड बाय इन्फिल्ट्रेटिंग लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन थ्रू ऑलरेडी एनेस्थेटाइज बकल पैपिला. क्योंकि हमने चिल्ड्रंस में बकल इन्फिल्ट्रेशन की स्टार्ट में बात की, तो इट मीन्स कि हम बकल पैपिला को एनेस्थेटाइज कर लेंगे. जब हम उसको एनेस्थेटाइज कर लेंगे तो हमें फिर पैलेट की तरफ ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, हम उसको अवॉइड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है पैलेट का एनेस्थीसिया. तो ग्रेटर पैलेटाइन और नेजो पैलेटाइन को जो है नर्व ब्लॉक्स को आपने अवॉइड कर देना है, आपने इन्फिल्ट्रेशन कर देनी है, वो आपने बकल पैपिला पे कर देनी है.
The effects of infra-orbital block are often achieved by the infiltration technique. वही बात कि infra-orbital nerve के लिए जो आप block दे रहे हैं तो वो आपने infiltration technique use कर देना है, उसके लिए भी वो आपने किसके ऊपर देना है, या तो canine के ऊपर दे दें या maxillary first primary molar region के ऊपर हम दे देंगे, ठीक है। तो उस infra-orbital nerve के लिए भी हम infiltration ही use करेंगे। मैक्सिमम में हम ज़्यादातर infiltration ही use करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये इन्फिल्ट्रेशन दे रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे दे रहा है, बकल पैपिला पे दे रहा है, ठीक है। इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व के लिए अगर देंगे तो या तो कैनाइन के ऊपर या प्राइमरी मोलर के ऊपर देंगे। यहाँ पे हमारे पास प्री मोलर्स नहीं है बिकॉज हमारे पास चिल्ड्रंस में प्री मोलर्स एबसेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये देखें पैलेट का है। तो पैलेट का जो है हम चिल्ड्रंस में ज़्यादातर अवॉइड करते हैं, अगर फिर भी देना है तो आप जस्ट टॉपिकल दे दें, ठीक है। लेकिन एडल्ट्स के लिए जो है, हमें पता है कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि पैलेट का एनेस्थीसिया हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, तो इसलिए हम वहाँ पर टॉपिकल भी दे देते हैं थोड़ा, और फिर इस नीडल को भी इंजेक्ट कर देते हैं ताकि पेशेंट को पेन ज़्यादा ना हो। सो द यूज़ ऑफ प्रेशर एंड टॉपिकल एनेस्थीसिया टू लेस द डिस्कम्फर्ट ऑफ द पैलेटल इंजेक्शन। तो ये जो है, ये फिर प्रोसेस हमने एडल्ट के लिए यूज करना है। अदरवाइज चिल्ड्रन में हम पैलेट एनेस्थीसिया को अवॉइड करेंगे, और अगर फिर भी देना है तो जस्ट टॉपिकली दे देते हैं और नहीं करेंगे कुछ इस तरह से। द नेक्स्ट टेक्निक इज द इंट्रा लिगामेंट्री मैक्सिलरी और मैंडिबल। के बाद हम इंट्रा लिगामेंट्री के एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ते हैं कि इंट्रा लिगामेंट्री जो है, इट मीन्स के लिगामेंट्स की बात हो रही है, तो हमारे पास जो टीथ के साथ या हमारे पास ओरल कैविटी में जो लिगामेंट्स है वो हमारे पास पेरियोडोंटल लिगामेंट्स हैं, ठीक है। तो इंट्रा लिगामेंट्री और पेरियोडोंटल लिगामेंट्स एनेस्थीसिया इज अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक है चिल्ड्रंस में, ठीक है। एडल्ट्स में भी है समटाइम्स, जब हमारे पास पेशेंट एनेस्थेटाइज नहीं हो रहा होता तो हम उसको पीडीएल भी फिर एट लास्ट दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि चिल्ड्रंस में ये हमारे पास काफ़ी इफेक्टिव है। हाउ? सो दिस इज द मेथड ऑफ इंट्रोशियस इंजेक्शन है, ये एक इंट्रोशियस इंजेक्शन की तरह का मेथड है। इंट्रोशियस इंजेक्शन मेथड्स आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे टेक्निक्स में, कि ये हमारे पास वो होता है जिसमें हम जो बोन का जो कम्पैक्ट की तरफ होता है उसकी तरफ हम अपनी लीडर को लेकर जाते हैं। मीन्स कि आप ये कहते हैं कि इंट्रोशियस हमारे पास जो बोन मैरो की तरफ जो इंजेक्शन जाती हैं, ठीक है, वो होती हैं। सो इंट्राओशियस मेथड की तरह है ये भी, विद लोकल एनेस्थेटिक रीचिंग द कैंसिलियर स्पेस, जो बोन का कैंसिलियर स्पेस है वहाँ आपने लेकर जाना है थ्रू पीडीएल। यहाँ पे हम पीडीएल में दे रहे हैं, वैसे इंट्राओशियस की तरह का मेथड है कि आपने उसी तरह कैंसिलियर स्पेस की तरफ बोन में जो कैंसिलियर स्पेस प्रेजेंट है वहाँ तक लेकर जाना है। दिस मेथड अलाउज द यूज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, इसमें हम जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन यूज करेंगे। कितना है रिकमेंडेड हमारे पास है डोज पर रूट के लिए 0.2 ml है, ठीक है, जस्ट 0.2 ml हम वहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे। आज द पर्पल एनेस्थीसिया इज नॉट ड्यू टू इस्कीमिया, द टेक्निक इज सिग्निफिकेंट मोर सक्सेसफुली व्हेन अ वैजो कंस्ट्रक्टर कंटेनिंग सॉल्यूशन इज एम्प्लॉयड, अगर हम वैजो कंस्ट्रक्टर्स के साथ इस सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं तो ये हमारे पास मोर सक्सेसफुल है, ठीक है। पर्पल ये एनेस्थीसिया नहीं होता बिकॉज वहाँ पे इस्कैमिक कंडीशन है हमारे पास पल्प में, ठीक है। तो हमने वेजो कंस्ट्रक्टर के साथ अपने जो है एनेस्थीसिया को यूज़ करना है, और हमारे पास ऑलरेडी वेजो कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है हमारे पास एनेस्थेटिक सॉल्यूशन में। सो इसके लिए जो हमारे पास एनेस्थीसिया और जो चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया है वो हमारे पास है 2% लाइडोकेन विद 1:80,000 एपिनेफ्रिन के साथ, यानी इतना एड्रेनालिन उसमें प्रेजेंट होगा। दिस टेक्निक इन्वॉल्व इंसर्टिंग अ 30-गॉज नीडल, इंट्रा लिगामेंट्री के लिए आपने 30-गॉज नीडल यूज करना है एट एन एंगल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30 degrees टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द टूथ, ठीक है। ये देखिए, ये आपका टूथ है, यहाँ पे बीच में हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास इंट्रा लिगामेंट सॉरी पीडीएल्स प्रेजेंट होती हैं। हम जब यहाँ पे एनेस्थीसिया देंगे और इसको इधर की तरफ इंसर्ट करेंगे तो ये इंट्रा लिगामेंट्री कहलाता है। जब हम लिगामेंट्स में एनेस्थीसिया देंगे तो इसमें हमें काफ़ी फोर्स भी यूज़ करना पड़ता है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास लिगामेंट्स है, ठीक है। जब हम सॉफ्ट टिश्यू एनेस्थीसिया देते हैं तो इतना प्रेशर नहीं अप्लाई करना होता है, लेकिन जितना लिगामेंट्री में यूज़ करना होता है लिगामेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो नीडल को देखें, ये नीडल की जो गॉज है इसकी थिकनेस जो है वो 30 होगी, और जो आपका नीडल का जो पोजिशन है वो आपका 30 degree एंगल पे होगा, टूथ के लॉन्ग एक्सिस पे आपने देना है।
ठीक है, इन द जिंजिवल सल्कस एट द मीजो बकल एस्पेक्ट ऑफ ये ईच रूट, जो आपके पास रूट्स हैं उनकी ऊपर की मीजो बकल एस्पेक्ट पे आपने देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द मीजियल साइड, दिस इज द डिस्टल साइड। सो मीजियल साइड पे मीजो बकली, दिस इज बकली एंड दिस इज लिंगुअली। सो दिस इज द मीजो बकल एस्पेक्ट ऑफ ईच रूट के ऊपर आपने लॉन्ग एक्सिस पे जिंजिवल सल्कस में इंसर्ट कर देना है। ठीक है, और 30 डिग्री एंगल पे रखना है और 30 गॉज नीडल यूज करना है। इट इज बेस्ट टू वेट 5 सेकेंड आफ्टर द इंजेक्शन। ठीक है, आपने 5 सेकेंड के लिए वेट करना है बिफोर विड्राइंग द नीडल, बिकॉज इट अलाउ टू एक्सप्रेस द सोल्यूशन टू डिफ्यूज थ्रू द बोन, ताकि आपका जो सोल्यूशन है वो वहाँ पे बोन में डिफ्यूज हो सके, अदरवाइज वो वहाँ से एस्केप हो जाएगा और जिंजिवल सल्कस के थ्रू निकल आएगा और माउथ में आ जाएगा। इसलिए जब आप वहाँ पे डिपोजिशन कर रहे हैं तो 5 सेकेंड के लिए आपने वहाँ पे नीडल को छोड़ देना है, वहाँ पे आपने वहाँ से निकालना नहीं है डायरेक्टली। क्यों छोड़ना है? इसलिए ताकि हमारा जो सोल्यूशन है वो बोन में डिफ्यूज हो सके, फिर वो हमारे पास वहां से हमने उसको डिफ्यूज हो सके वहां पे। अगर आपने वहां से डायरेक्टली अपनी नीडल को विड्रॉ कर दिया तो जो सोल्यूशन है एनेस्थेटिक सोल्यूशन वो जिंजिवल सल्कस के थ्रू निकल आ जाएगा और माउथ में आ जाएगा। सो इन द मैक्सिला इंटरलिगामेंट्री एनेस्थीसिया जो है ये हमारे पास बेस्ट है। ठीक है, एज अ सप्लीमेंट्री मेथड भी यूज होते हैं, एज अ सप्लीमेंट्री मेथड इस तरह से कि एज अ एडिशनल मेथड यूज होते हैं। अगर पेशेंट में पेन कंट्रोल नहीं हो रहा और पेशेंट को फिर भी पेन फील हो रहा है प्रोसीजर के टाइम, तो फिर आप इंट्रा लिगामेंट्री दोबारा से यानी एक्स्ट्रा लिगामेंट्री आप दे सकते हैं एज अ सप्लीमेंटल। ठीक है, सो फॉर अचीविंग द पेन कंट्रोल सारों का एक ही हमारा एम और पर्पज है, वो है पेन कंट्रोल हमने करना है। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सो इंट्रा लिगामेंट्री इंजेक्शन इन अ चाइल्ड। अच्छा, ये इंट्रा लिगामेंट्री की इंजेक्शन है। ठीक है, सो दिस वन इज द पिस्टल ग्रिप इंट्रा लिगामेंट्री इंजेक्शन, दिस इज द पिस्टल ग्रिप। ठीक है, इस तरह के थ्रू भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने अपना कार्ट्रेज रख देना है, यहाँ पे नीडल आ जाएगी और इसकी जो ग्रिप है दिस इज पिस्टल ग्रिप। ठीक है, द सेकेंड वन इज द पेन ग्रिप इंट्रा लिगामेंट्री, ये देखें पेन ग्रिप है, बिल्कुल पेन की तरह आपने इसको पकड़ना है, यहाँ पे आपका कार्ट्रेज आ जाएगा। ठीक है, और आपने यहाँ पे फिर वहां पे नीडल इंसर्ट कर देना है। तो ये आपके पास इंट्रा लिगामेंट्री इंजेक्शन टेक्निक भी आ गया है। हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड कर गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये टॉपिक डाला है कि पेन फ्री लोकल एनेस्थीसिया के लिए आपके पास कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपने माइंड में रखने कि अगर आप चाहते हैं कि आप पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दें और वो भी पेन फ्री दें, तो उसके लिए फिर आपके पास है कि पेन फ्री लोकल एनेस्थीसिया देने के लिए डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स हैं कि अगर वो उनको ऑपरेटर जो है वो कंट्रोल कर ले तो फिर उसका जो लोकल एनेस्थीसिया है वो पेन फ्री हो सकता है। सो उस फैक्टर्स में हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ऑपरेटर जो है वो कंट्रोल करे? फर्स्ट वन इज द इक्विपमेंट, द सेकंड वन इज द मटेरियल एंड थर्ड वन टेक्निक, कि उसको प्रॉपर टेक्निक आना चाहिए, उसको प्रॉपर उसके पास मटेरियल्स हो और प्रॉपर इक्विपमेंट्स हो। ठीक है, तो इसके बेसिस पे वो जो है एनेस्थीसिया पेन फ्री दे सकता है। अच्छा, ये टॉपिक जो है अगर आप इसको थोड़ा सा और भी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी बुक से पढ़ लें। ठीक है, और लोकल एनेस्थीसिया की जो कॉम्प्लिकेशंस है और या जो एडवर्स इफेक्ट्स या कुछ जो इस तरह इसके रिलेटेड हैं, ठीक है, वो चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, उनको आप दोबारा से यहीं पर अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग बुक से भी उसको पढ़ सकते हैं। आई होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी कि लोकल एनेस्थीसिया फॉर चिल्ड्रन के लिए किस तरह का टेक्निक है, कौन से पॉइंट्स है जो मेन इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रंस के लिए। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू।